सब्सक्राइब करिए पांडे जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आपको पता चलने वाला है फिजिक्स में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारे डेरिवेशन के बारे में, कुछ ऐसे डेरिवेशन जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये क्वेश्चन को फुली एडिट करके मैंने बनाया है। टाइम तो लगा है बट क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलना चाहिए, ये मैंने सोचा। ठीक है दोस्त, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक या फिर बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो केपलर ने बेसिकली 3 नियम दिए जिसको हम 3 पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उन कक्षाओं की एक फोकस पर स्थित होता है। पहला पॉइंट है, पहला नियम है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि सूर्य तथा किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समयांतराल में बराबर क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय जाल नियत होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसको आप याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि इसको आप डेली 4 से 5 बार एक बार याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, और डेली 4 से 5 बार इसका रिवीजन कर जाइए। ठीक है, जब कभी टाइम मिले तो केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम को आप एक बार ज़रूर अपने मन में दोहरा लीजिए। आपको एकदम डेफिनेटली ज़ुबान पे हो जाएगा ये केपलर का ग्रहों की गति संबंधी नियम, और ये का क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। इस बार 2018 में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए और आपको ओरली बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, जो परिक्रमण काल होता है उसे टी से हम प्रदर्शित करते हैं, और उसका स्क्वायर जो है वो वृत्तीय कक्षा और दीर्घवृत्तीय कक्षा का अर्ध दीर्घ अक्ष। आप अगर इंटरमीडिएट करके आए होंगे तो आप जानते होंगे कि इलिप्स यानी कि दीर्घ वृत्त का जो है वो दीर्घ अक्ष कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, और उसमें अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, a, तो उसी को हम अर्ध दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगता है, इसलिए टी स्क्वायर इक्वल टू के ए क्यूब हो जाएगा, और टी स्क्वायर अपान ए क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट के हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे अगर आप लिखते हैं तो फुली नंबर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को डेफिनेटली तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद से मैं आपको कुछ डेरिवेशन बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, और भी बहुत सारे हैं बट इसमें कुछ को इंक्लूड किया गया है। और दोस्तों, अब कुछ ऐसे डेरिवेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, जैसे पहला जो डेरिवेशन है वो ये है कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा उसको सिद्ध भी कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, और उसके बाद ये फार्मूला आपको प्रूफ करना है कि I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये एडिटिंग वीडियो है और काफ़ी लंबा हो जा रहा है दोस्तों, वीडियो बनाने में और एडिट करने में काफ़ी समय व्यर्थ हो जा रहा है। सो दोस्तों, इसलिए मैं इसमें आपको ये बताने वाला नहीं हूँ। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पांडे जी टेक्निकल से जुड़ जाइए अगर आप नहीं जुड़े हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज देगा और आप उससे तैयारी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें आपको यही बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो, या फिर बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर शेयर किया जाएगा, और जो जल्दी से जल्दी एडिट हो जा रहा है जो क्वेश्चन का आंसर उसे आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्त, ओरली आपको बता दिया जाएगा, और आपका काम है कि आप उसको रिटन तैयार करें और आप
प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें, ठीक है दोस्त। दोस्तों नेक्स्ट जो डेरिवेशन है आपको जो तैयार करना है वो भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अभिकेंद्रीय अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हैं और इसके सूत्र का निगमन कीजिए। और वो सूत्र जो है वो ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर है, उसको आपको निगमन करना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। आप अगर पांडे जी टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप उस जो है वो ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट अपडेटेड रहते हैं और सारे जो है वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपको अभिकेंद्र त्वरण को परिभाषित करना है कि अभिकेंद्र त्वरण है क्या चीज़ और उसके सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन भी वेरी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए, ठीक है। इसमें आपको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम समझाना है और कुछ छोटा सा डेरिवेशन है उसको आपको कर देना है, ठीक है। वेरी सिंपल है, आपको अगर नहीं आता है तो उसमें वो बुक में आपके मिल जाएगा या फिर आपके नोट्स में, अगर नोट्स बनवाया गया है स्कूल से तो, या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आपको ये बुक से या फिर ग्रुप में पांडे जी टेक्निकल ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए यूज़र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है, और जो चैनल का लिंक दिया गया है उस पर जाके वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।